झांसी की बहुरानीपुर में मुकदमा में हार से बौखलाए लोगों ने त्रयोदशी में जा रहे बाप बेटे को रास्ते में रोककर लाठी डंडों से जमकर मारपीट कर दी। जानकारी के अनुसार ग्राम सितौरा निवासी करण सिंह पुत्र गौरी शंकर ने कोतवाली में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसका एक मुकदमा गाँव के ही लोगों से लगभग 10-15 साल से चला आ रहा है, जिसका फैसला उसके हक में आया और जिस पर विपक्षी बौखला गए और उन्होंने पूर्व में भी उसके साथ मारपीट की थी। और अब शनिवार को जब वह पिता और बेटा त्रयोदशी में ग्राम बदरबारा जा रहे थे, तभी रास्ते में चार लोगों ने उन्हें रोककर गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से उसकी और उसके पुत्र की मारपीट कर दी, जिससे वह दोनों लहूलुहान हो गए। पीड़ितों का कहना है कि जिसकी शिकायत करने वह कोतवाली आए तो मुकदमा नहीं लिखा गया, बल्कि दबंगों से मिलकर उन्हें छेड़छाड़ के मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। प्रार्थना पत्र में दबंगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। क्या नाम है दादा? हमारा करण सिंह। कहाँ के हैं? सतौरा। क्या घटना हो गई आपके साथ? सब हमें खंकुलाड़ी से बाहर कई मारू है। हम खंकुलाड़ी से पहले से विवाद था क्या आपका? पहले सब हमारे पहले जमीनी विवाद चलाते हैं और 14-15 साल है। हम मुकदमा जीत गए। अच्छा, और फिर इनने हमें अंदर घुस के एक दिन मार पीट करी तो हमने अब आप थाने गए शिकायत करने? हाँ, शिकायत करने गए। तो क्या कह रहे हो? वे कह रहे कि हम लिख रहे हैं तुम्हारा मुकदमा लिख रहे और हमारे खिलाफ छेड़खानी को और मुकदमा लिखवावे के लाने विपक्ष दबाव बना पुलिस के ऊपर और हमारे खिलाफ मुकदमा नहीं लिखो जा रहे हो। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी।